चलिए लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज टॉपिक सेंटेंस। व्हाट इज अ टॉपिक सेंटेंस? ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ये आपकी क्लास 9 की बुक में भी है आई थिंक। टॉपिक सेंटेंस, डिफरेंट सेंटेंस आपको पता है कि एक तो मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। एक अगर सेंटेंस की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव होता है, असर्टिव होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो इस तरह के उसमें सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अब वो टॉपिक सेंटेंस है, ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। अब टॉपिक सेंटेंस होता क्या है? टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस, आप लिखे मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ। अ टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस in a paragraph that introduces the main idea or theme. जब आप पैराग्राफ लिखते हैं ना, स्पेशली जब आप ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हर ऐसे में हर पैराग्राफ ऑलमोस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट को डील करता है, तो अगर उस पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस नहीं है तो वो पैराग्राफ एक सुटेबल पैराग्राफ नहीं होगा। ये चीज अगर आपने यहाँ पे सीख ली तो इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक CSS, PMS, वहां पर भी आपको बड़ा काम आएगा। क्योंकि एक चीज याद रखो कि जो फेलियर रेशो है ना इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फेल होने का, उसका जो सब्जेक्ट टॉप पे आ रहा है ना जिसमें लोग फेल हो रहे हैं वो इंग्लिश है, क्योंकि उनको इंग्लिश राइटिंग नहीं आती। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जो 2 साल पहले CSS टॉप हुआ था उसमें एक स्टूडेंट कैंडिडेट जो जिसने टॉप किया था, वो उसकी जो एजुकेशन है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसे इंस्टीट्यूट से थी, सारा फॉरेन इंस्टीट्यूट से वो पढ़ के आया था। उसका एक्सेंट भी बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, बोलना भी अंग्रेजों की ना, प्रोनाउंसिएशन भी, सब कुछ इज एन एवरीथिंग, लेकिन इंग्लिश में 100 में से 40 नंबर उसने लिए थे, 40 वाला पास होता है। अगर वो 39 होता तो वो CSS टॉप ही ना कर सकता। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इंग्लिश इट्स नॉट अबाउट स्पोकन, इट्स अबाउट रिटन लैंग्वेज। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर आप है, अ टॉपिक सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन अ पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया और थीम। तो यहाँ से पता चलता है कि एक पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं उसमें पहला पैराग्राफ में जो पहली चीज आपने देखनी है वो आपका टॉपिक सेंटेंस। अब टॉपिक सेंटेंस का फायदा क्या है? फायदा यह है कि मैं पहला सेंटेंस पढ़ने के साथ ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं आगे क्या पढ़ने जा रहा हूँ, और इट फैसिलिटेट्स द चेकर अलॉट, इट अट्रैक्ट्स द रीडर्स अलॉट। दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखे, सेकेंड पॉइंट, इट अपेयर्स टिपिकली एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ये टिपिकली पैराग्राफ के स्टार्ट में ही आता है, दरमियान में या आखिर में नहीं आता। इट टिपिकली अपेयर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, लेकिन कहीं कहीं पर, मैंने आपसे कहा कहीं कहीं पर, मिडल में आप देख सकते हो उसको, कहीं कहीं पे, समवेयर इन द मिडल, और एंड पे लाने का जो वो होता है ना, एंड में इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सारा पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो कोई टॉपिक सेंटेंस नहीं पड़ेगा ना, उसको फिर हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस हमेशा 80% टॉप पे आएगा, बिल्कुल स्टार्ट में आएगा, कहीं कहीं पर वो सेंटर में आ सकता है अगर आपने उससे पहले कोई तमहीद बांधनी है तो। तीसरा पॉइंट लिखिए, द टॉपिक सेंटेंस प्रोवाइड्स a clear overview of what the paragraph will discuss. The topic sentence provides a clear overview of what the paragraph will discuss and helps the reader understand the paragraph's focus or main point. Third sentence, third point aapne likha, तीन मेन पॉइंट्स मैंने बताए। एक तो ये है कि टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस करते हैं मेन आइडिया और थीम को, दूसरा ये है कि टिपिकली ये बिगिनिंग में आता है, कभी कभी ये मिडल में आ सकता है, और कुछ लोग कहते हैं आखिर में भी आता है, लेकिन जो आखिर में आता है वो टॉपिक सेंटेंस नहीं होता, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है जिसको कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि टॉपिक सेंटेंस जो है ये प्रोवाइड करता है एक क्लियर ओवरव्यू के पैराग्राफ जो है क्या डिस्कस करने वाला है आगे, और रीडर्स को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि पैराग्राफ किस बारे में। तो यही कमाल होती है एक अच्छे राइटर की कि वो
रीडर को पहली लाइन में ही अट्रैक्ट कर लेता है रीडर को। देखो हर वो राइटिंग बोरिंग है, हर वो बुक बोरिंग है जिसमें रीडर बोर हो जाए। ठीक है, अब क्यों हम कहते हैं कि वो बोरिंग बुक है, किस लिए बोरिंग, क्योंकि उसमें राइटर राइटर के पास वो स्किल नहीं है कि जिससे वो आपकी अट्रैक्शन जो है वो हासिल करे। अब एक बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, एल एफ शेफक ने लिखी है, टर्किश राइटर है। 40 रूल्स ऑफ लव जो है ना, ये इसमें मौलाना रूमी की बात हुई हुई है। ठीक है, इसमें स्पिरिचुअल लव्स की बात हुई, स्पिरिचुअल लव की बात हुई है, अल्लाह ताला के साथ जो मोहब्बत है या उसके साथ इंसान का जो रिश्ता है उसकी बात हुई, और उसमें 40 जो है वो असूल बताए गए। अब ये चीज जो है, ये बुक जब मैंने पढ़ना शुरू की ना बैक इन 2018 और 19 में, मैंने मेरे ख्याल में 2018-19 में मैंने पढ़ी। अब यकीन करें, जब ये बुक मैंने पढ़ना शुरू की, आई फॉरगॉट माई मील्स, आई फॉरगॉट माई लंच एंड डिनर्स। मुझे याद ही नहीं रहता था कि लंच का टाइम है कि डिनर का टाइम है। ये मुझे घर वाले बुलाते भी थे तो मैं उनको कहता था मैं बाद में खाऊंगा। आई वॉज सो इनग्रॉस्ड इन दैट बुक। आपको भी पढ़नी चाहिए, ये बहुत अच्छी बुक है, इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड वाइड इसको पढ़ा गया है, 40 रूल्स ऑफ लव। तो उसमें जो एल एफ शफक है, जो राइटर है, उसकी राइटिंग स्किल्स इतनी बेस्ट है कि वो आपकी अट्रैक्शन को हर पेज पर हासिल करती है। और जब मैं वो बुक पढ़ा था ना, तो आई वॉज थिंकिंग वट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट पेज, कि अगले पेज पर क्या होने वाला है। मुझे उसके लिए ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, जैसे आप कोई मूवी देख रहे होते हैं ना, आप कहते हैं कि और वो एपिसोड में हो, तो आप कहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तो क्यूरियोसिटी होती है। तो इसी तरह उस बुक में भी क्यूरियोसिटी भरी हुई है। इसी तरह जैसे अल्केमिस्ट का मैंने बोला था, अल्केमिस्ट की बुक है, वो भी आप देखें। तो इस तरह की जो बुक्स, ये क्यों पूरी दुनिया में मशहूर हुई है, किताबें तो हर रोज लोग लिखते हैं, हर रोज लोग बुक लिखते हैं, लेकिन हमें कुछ चंद बुक्स का ज्यादा पता चलता है जो हर जगह हमें दिखाई देते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द राइटिंग स्किल्स उनकी, जो वो जो राइटर्स हैं। आपने रिसेंटली गिलगित गया हूँ ना, ये बातें टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूँ। अब मैं रिसेंटली गिलगित गया, तो आप यकीन कर, जब आप गिलगित जाते हैं तो गिलगित में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ की तस्वीर नजर आती है। अब मुस्तनसर हुसैन तारड़ कौन है? ही इज अ वेरी ग्रेट राइटर इन उर्दू लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने लिखा है। अब क्यों लिख नजर आती है? क्योंकि उन जगहों को एक्सप्लोर ही मुस्तनसर हुसैन ने किया है पहले, और अपनी जो है ना राइटिंग में लिखा है। आप उसके सफरनामे पढ़ें, जो ट्रेवलॉग जो मुस्तनसर ने लिखे हैं, आपको लगेगा कि आप खुद वहां पर इस वक्त घूम रहे हैं। और उसकी जो लिखने का जो तरीका है वो इतना खूबसूरत है कि बंदा कहे मैं इसको पढ़ता हूँ। तो वहां पे इवन रेस्टोरेंट्स में, एक रेस्टोरेंट में मैं गया जो कि वहां पे बहुत अच्छा, एक अच्छे स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट था, वहां पर भी इनकी पिक्चर लगी। तो इस ये क्यों लगी हुई थी? क्योंकि इनका एक राइटिंग स्टाइल है, ये रीडर्स को उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट करना जानते हैं। और वो सारा होता कैसे है कि जब आपको राइटिंग स्किल आती है। अब ये जो टॉपिक सेंटेंस है, ये वो स्किल है कि अगर ये आपको आ गई तो आपकी राइटिंग हमेशा के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगी। जो भी आप लिखेंगे वो अट्रैक्टिव इसलिए होगा क्योंकि आपने अटेंशन गेन कर दिया रीडर की। सही। अच्छा, अब इसकी कुछ फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि ये इंट्रोड्यूस करता है मेन आइडिया को। अब मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये पहला सेंटेंस है एक पैराग्राफ का। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जो आगे, देखो एक लाइन मैंने बोली है, ग्लोबल वार्मिंग हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आगे सारा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अगर ग्लोबल वार्मिंग में मेरा इंटरेस्ट हुआ तो मेरी अटेंशन इसने अट्रैक्ट कर ली। अब स्क्रीन पे जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, आप इसको देखें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन आर सिटी इज इट्स पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ये बाकी पैराग्राफ में ना भी पढ़ूं तो मुझे समझ आ गई है कि इस पैराग्राफ में जो राइटर है, ये हमारे सिटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज के बारे में बात करने वाला है, और वो कॉज पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसमें ये बस वगैरह की बात करेगा, टैक्सियों की बात करेगा, हो सकता है रक्षा की बात करे, जो अगर हमारे सिटी की बात हो रही है। तो पहले एक सेंटेंस में ही उसने बता दिया कि आगे क्या बात करें। अब आगे सेंटेंस पढ़े। थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंट्स rely on the city's buses and taxis to travel throughout this large city, while the metro transportation system daily schedules are totally unreliable. A bus or taxi that should arrive at 7:45 may not arrive until 8 or later. Moreover, it is not unusual for a bus driver to pass up groups of people waiting for the bus because he wants to make up for lost time. Unfortunately, people often end up going to work late or missing important appointments.
अब कंक्लूडिंग सेंटेंस भी आपको आना चाहिए, कंक्लूडिंग कि आपने खत्म कैसे कर। इन ऑर्डर फॉर पीपल टू गेट टू देयर डेस्टिनेशन ऑन टाइम पीपल मस्ट अलाउ फॉर वेटिंग टाइम एट द बस एंड टैक्सी स्टॉप्स। अब इसने बहुत ही एक अच्छी एग्जाम्पल दी है टॉपिक सेंटेंस की, कि टॉपिक सेंटेंस हमारा क्या है, एक तो बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, ऊपर लिखा भी हुआ स्टेट्स द मेन आइडिया, दूसरा वो मेन आइडिया बता रहा है, तीसरा जो है इसको देखने के साथ हमें ये पता चल जाता है कि आगे जो पैराग्राफ में बात की जा रही है वो क्या बात की जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक सेंटेंस, और ये आपकी बुक में भी है। टॉपिक सेंटेंस की समरी क्या है कि मतलब इट्स आप कह सकते हैं क्रूशियल फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटिंग द की पॉइंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंस में ये तीन चीजें होती हैं। अच्छा, एक और आप इसमें ये लिख सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसमें जो वर्ब्स आप यूज करेंगे ना, वर्ब्स वो विविड वर्ब्स यूज करेंगे, मतलब क्लियर वर्ब्स यूज करेंगे, जो कि एम्बिगुअस ना हो, जिसमें एम्बिगुइटी ना हो, जिसमें जिनके दो मतलब ना निकलते हो। ठीक, तो क्लियर वर्ब्स यूज करेंगे, सिंपल वर्डिंग यूज करेंगे, ये भी आप इसके साथ लिख लें, क्लियर एंड सिंपल वर्डिंग एंड क्लियर वर्ब्स या इजी वर्ब्स, ताकि जो रीडर है उसको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि ये आप जनरल पब्लिक के लिए लिख रहे हो ना, तो जनरल पब्लिक के लिए लिखोगे तो उनको आपने फैसिलिटेट करना है, उनके लिए आपने आसानी पैदा करनी है। तो ये आपका टास्क भी है कि आप इसको फिर जब यहाँ से क्लास खत्म हो जाए फिर आप लोग एक पैराग्राफ लिखें, किसी भी टॉपिक पे लिखें, और पहले आप उसका टॉपिक सेंटेंस निकालेंगे और उसके बाद आप जो है ना पैराग्राफ कंप्लीट। और पैराग्राफ में स्टैंडर्ड पैराग्राफ में आप यहाँ पे देख लो कि 7 to 8 लाइन स्टैंडर्ड पैराग्राफ में होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11 लाइन है, लेकिन हम स्टैंडर्ड पैराग्राफ की जो लेंथ है वो 7 to 8 लाइन होती है। खैर एक लाइन ऊपर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि 15 और 16 लाइन का कोई पैराग्राफ नहीं होता। हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ, एनी क्वेश्चन हियर? आई होप कि सबको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा टॉपिक आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसके लिए आपके टेंसेस क्लियर होने चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब इसमें आप देखेंगे यूजिंग सिंगुलर वर्ब्स विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स विद प्लूरल नाउन्स, ये सिंपल सी बात है, लेकिन इसी में लोग जो है वो गलती कर लेते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी गलती बहुत ही कॉमन उसमें होती है, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2 and 2 make 4 है या 2 and 2 makes 4 है, वो क्या वजह है, वो यही वजह है कि उनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक है जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री होना पड़ेगा। इट रेफर्स टू, आप लिखें, मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल, इट रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रूल दैट द सब्जेक्ट एंड वर्ब, और ये किस चीज पे एग्री करते हैं वो भी मैं बोल रहा हूँ। It refers to the grammatical rule that the subject and verb in a sentence must agree in number. इन्होंने number पे agree करना है, और कोई बात नहीं है, number पे agree करना है। Number क्या है, bracket में लिख लो, singular or plural, singular or plural, subject verb agreement लिखिए। It refers to the grammatical rule that the subject and verb in a sentence must agree in number, singular or plural. अब इसका मतलब यह है कि singular subject जो है वो singular verb लेगा, plural subject जो है वो plural verb लेगा। देखने में ये बड़ा simple है। अब इसकी कुछ key rules हैं, वो क्या है, पहला singular and plural subject, जैसे कि singular subject the verb is usually in the singular form, आप यहाँ पे एरो लगा के लिखें, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखें और उसके साथ एरो लगा के लिखें सिंगुलर वर्ब, और नीचे मिसाल के तौर पे आप लिख लें शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, तो शी इसमें देखो इस शी के साथ एरो लगा के लिखें कि शी जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, शी जो है वो सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस और एस आएगा तो ये एग्री करेगा इसके साथ। अगर हम कहते शी राइट अ लेटर, तो ये राइट जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री नहीं कर रहा है,
एग्री नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा। अब स्क्रीन पे देखें, द कैट मियाओज व्हेन ही इज हंग्री, द कैट मियाओज। अब यहाँ पे द कैट, कैट क्या है, एक कैट है, सिंगुलर है, तो फिर मियाओ के साथ एस लगेगा, क्योंकि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस एड करते हैं। तो सिंपल में हम आपको बता देंगे मतलब इसमें कि ही शी इट के साथ हम एस और ई एस एड करते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखें द कैट मियाओ व्हेन ही इज हंग्री, तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इस पे एक नंबर भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद द वर्ब। दूसरा देखो, द कैट्स मियाओ व्हेन दे आर हंग्री। अब यहाँ पे कैट के साथ हमने एस लगा दिया, लेकिन मियाओ से हमने एस उड़ा दिया। वो क्यों उड़ा दिया, इसलिए क्योंकि अगर हम कहें कि द कैट्स मियाओज, तो फिर कैट्स तो प्लूरल हो गया ना, तो जब प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो फिर वर्ब भी उसके साथ प्लूरल के तौर पे एग्री करेगा। अब एस और ईएस जो है वो सिर्फ ही शी इट के अलावा नहीं लगता, तो कैट्स का प्रोनाउन जो है वो द है, तो द के साथ जो है एस और ईएस नहीं लगेगा। अगर हम द के साथ एस और ईएस लगा देंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा। इट्स ऑल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल, इट्स ऑल अबाउट नंबर। तीसरा देखो, माइक प्लेज द गिटार। अब यहाँ पे माइक जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम एस लगा रहे हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल की है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट सिंपल ही इसमें आता है। ठीक है, आगे जाता हूँ। माई फ्रेंड्स प्ले द गिटार। अब माई फ्रेंड्स जो है वो दे हो गया, तो दे के साथ एस और एस नहीं लगता, और इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने माई फ्रेंड्स के साथ एस नहीं लगेगा प्ले के साथ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, और अगर हम लगा देंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर आप दूसरी एग्जाम्पल पे जाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जिसमें दो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है जिसमें दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि द डॉग एंड द कैट्स डैश प्लेइंग। अब यहाँ पे डॉग एंड द कैट डैश प्लेइंग में क्या आएगा, इज आएगा कि आर आएगा, द कैट द डॉग एंड द कैट डैश प्लेइंग इज आएगा कि आर आएगा, आर आएगा। आर इसलिए आएगा क्योंकि द डॉग एंड द कैट ये दो सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट्स हैं तो इनको एग्री करना पड़ेगा कि यहाँ पर आर आएगा, अगर हम इज लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है, टू एंड टू मेक फोर। अब यहाँ पे लोग कहते हैं टू एंड टू मेक्स फोर लगा देते हैं, अब मेक्स फोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टू एक सब्जेक्ट है एंड टू दूसरा सब्जेक्ट है, तो टू और दो चार होते हैं, तो दो और दो ये दो प्लूरल हो गए, इनका प्रोनाउन होगा दे, तो कभी भी मेक्स नहीं लगता, टू एंड टू मेक फोर लगता है। फिर आप तीसरा इनकी कोर्स में आ जाते हैं, जैसे कि ऐसे सेंटेंस जो कि और या नॉर से ज्वाइन करते हैं, वो भी लिखे हमने। पॉइंट नंबर टू में लेके कंपाउंड सब्जेक्ट जिसमें दो सब्जेक्ट जाते हैं, जो मैंने अभी बोला है, मतलब अली एंड अहमद, ठीक है, आर वॉकिंग, या अली एंड अहमद इज वॉकिंग तो गलत हो जाएगा ना, अली एंड अहमद आर वॉकिंग। तीसरा आप लिखें सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और या नॉर, ऐसा सब्जेक्ट जिसमें और या नॉर आ, जैसे इधर और ऐसे कि नीदर और नॉर, ऐसे कि ईदर और इस तरह के सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल में आपको ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल, क्या आएगा इधर, इस आएगा और आएगा, ईदर द टीचर या तो टीचर, या तो टीचर और या स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबल है। नहीं, नॉर्मली इज या आर में बताओ, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश रेस्पॉन्सिबल। इज कैसे आएगा, स्टूडेंट्स के साथ एस नहीं लगा हुआ, इधर हाँ, इधर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। अभी टीचर के साथ तो एस नहीं है, तो स्टूडेंट के साथ तो एस लगा हुआ है ना, तो एग्री तो करोगे उसके साथ। आओ नंबर फोर देखें, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में अगर हम देखते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस में अगर इनडेफिनेट प्रोनाउंस आ जाते हैं, जैसे कि एवरीवन डैश इज हियर, एवरी वन सबकी बात हो रही है, एवरी वन, तो एवरी वन डैश इज हियर, क्या आएगा, इज आएगा आर आएगा,
एवरीवन, सब की बात हो रही है, एवरीवन, एवरीवन इज हियर, एवरीवन आर हियर, क्या आता है? देखो ना, कंफ्यूज हो रहे हो ना सारे। एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज हियर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो एक है ना, एवरीवन इज वन सब्जेक्ट, और ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, एवरीवन इज हियर। यही चीज है, यही कंफ्यूजन है। जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं पता होता ना, तो यही कंफ्यूजन होती है कि कभी हमें लगता है आर आएगा, कभी हमें लगता है इज आएगा। लेकिन इसमें अगर आप प्रैक्टिस करें, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो, मैनी डैश लेफ्ट, सुनो, ये माइक जिसका ऑन है बंद करें और मेरी एग्जाम्पल सुनिए, समझ करें। माइक में आप लोगों के बंद कर, शाम सबके माइक ऑन है, बंद करो माइक, मुझे फिर आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब देखो मेरी बात सुने, मैनी डैश लेफ्ट, मैनी डैश लेफ्ट, हैज आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा? मैनी डैश लेफ्ट, हैव आएगा, हैज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो एक ही है यहाँ पे, हैव लेफ्ट क्यों आएगा है शाम? एग्जैक्टली, वेरी गुड, सब्जेक्ट एक है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल आया हुआ है, मैनी हैव लेफ्ट, मैनी हैव लेफ्ट, सब्जेक्ट प्लूरल आया हुआ है, वेरी गुड। फिर देखो आगे हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन्स पे, द टीम डैश विनिंग, द टीम आर विनिंग, द टीम इज विनिंग, क्या आएगा? द टीम कलेक्टिव नाउन है, द टीम इज विनिंग आर विनिंग, द टीम इज विनिंग, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर आप चले जाएं, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, अ मिलियन डॉलर्स, सुनो, अ मिलियन डॉलर्स नॉट इनफ, इज नॉट इनफ, आर नॉट इनफ, मैं लिखता हूँ, रुको, यार आपको चार्ट में लिखता हूँ, अ मिलियन डॉलर्स, अ मिलियन डॉलर्स नॉट इनफ। हाँ जी, इधर आ जाओ, अ मिलियन डॉलर्स नॉट इनफ, सारे गलत हो, सब के सब गलत हो, सब के सब गलत हो। अ मिलियन डॉलर्स, शुरू में देखो आर्टिकल ए लगा हुआ है, अ मिलियन डॉलर्स शुरू में ए लगा हुआ है, अ लिखा हुआ है, अ इसका मतलब है एक, 10 लाख डॉलर, 10 लाख, अ मिलियन एक मिलियन है, देखो अ मिलियन, आपको कंफ्यूज मैंने कहां से किया, डॉलर के साथ एस लगा के, डॉलर के साथ एस लगा के मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, लेकिन यहाँ पे इज आता है, अ मिलियन डॉलर्स इज नॉट इनफ। इस तरह आप मिलियन की जगह 5 भी लगा सकते हो, 5 डॉलर्स, अब कहां पे कंफ्यूज हो रहे हो, डॉलर के साथ जो एस लगा है वहां से कंफ्यूज हो रहे हो, 5 अ नहीं लगा था, सिर्फ बोल रहा हूँ 5 डॉलर्स डैश नॉट इनफ, तो 5 डॉलर्स इज नॉट इनफ, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एक नहीं महद इज आएगा, 5 डॉलर्स है, 5 डॉलर है, 5, सब्जेक्ट 5 है इसमें, 5 डॉलर्स इज नॉट इनफ, समझ आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये हमें बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है लेकिन हमारी सारी मिस्टेक्स ही यहाँ पर आती है, ठीक है? तो ये मैंने आपको 6 टाइप्स में करके बताया, सिंगुलर प्लूरल में, कंपाउंड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट जॉइंट बाय और नॉर में, इनडेफिनेट प्रोनाउन में, कलेक्टिव नाउन में, अमाउंट या क्वांटिटी में, जैसे अभी हमने पढ़ा मिलियन डॉलर या 5 डॉलर, ठीक है? तो इसकी आप बच्चे जितनी प्रैक्टिस करो उतना कम है, क्योंकि ये आप लोगों ने देखो सारा ग्रामर ऑलमोस्ट 80% पढ़ लिया, लेकिन आज फिर इसमें आप लोगों ने पहली बार गलती की है, तो देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक फिर ये वाला हुआ ना, कि ये वाला टॉपिक जिसमें इज लगता है आप आर लगा रहे हो, जहाँ पे आर लगता है आप इज लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि सारा ग्रामर आने के बाद भी आप अगर यहाँ पे गलत हो तो ये टॉपिक आपको इस पर काम करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़े बड़े लोग जो है गलत हो जाते हैं, जिस तरह अभी ये मिलियन डॉलर बोली थी, तो आपने जब भी ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको आ जाए तो उस ऑब्जेक्टिव को जल्दी से करने से पहले अच्छा ये है कि आप उसको सोचें कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल है, एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, आर्टिकल लगा है। देखो मैंने आर्टिकल की पहचान आपको पहले से बताई हुई कि जब आर्टिकल लग जाए, वेन एवर आर्टिकल इज यूज इट मीन्स द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आर्टिकल सब्जेक्ट जो आर्टिकल जिसके साथ लग जाए, क्यों हमने नाउन फ्रेज में मैंने आपको आर्टिकल का नहीं बताया था,
वो तो खैर पढ़ेंगे ना, लेकिन आर्टिकल टॉपिक का मैंने आर्टिकल का बताया था जब हम नाउन फ्रेज कर रहे थे, मुझे अभी तक याद है कि नाउन फ्रेज में मैंने बोला था कि जहां पर आपको ए आ जाए इसका मतलब यह है कि ए या अ आर्टिकल लगता ही सिंगुलर के साथ है। ये बात मैंने कही थी कि नहीं, बात कही थी ना ये वाली? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये बात मैंने कही थी कि नहीं? हाँ कही थी। तो जब ये बात मैंने कही थी इसका मतलब है ये मैं वहां पर बोल रहा था। अच्छा आपको याद नहीं है, लेकिन जब मैं नाउन फ्रेज पढ़ा रहा था तो आपको मैंने क्या कहा था कि नाउन फ्रेज में ए जो शुरू में आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल तो लगता ही नाउन के साथ है और सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और दूसरी बात, इस पे ज्यादा सोचने की बात भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूँ अ बुक, तो अ बुक में कितनी बुक्स हैं? एक बुक है कि बहुत सी किताबें हैं। अगर मैं कहता हूँ इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, तो अ ब्यूटीफुल हाउस में कितने घरों की बात करूँ? एक घर की के बहुत से घरों की? आई हैव अ कार, आई हैव अ कार बोल रहा हूँ तो मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं? एक गाड़ी है कि बहुत सी गाड़ी है? तो एक है ना, तो अ जो है वो आपको शो ही कर रहा है कि वन। तो अब मैंने जब स्टार्ट में मिलियन के स्टार्ट में अ लगा दिया, तो अ मिलियन डॉलर का मतलब है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इज काउंटेबल और दिस इज सिंगुलर, तो वहां पर इज आएगा। खैर आर्टिकल का टॉपिक हम इंशाल्लाह अगर कल क्लास हुई तो फिर हम कल आर्टिकल कर लेंगे कि इसके साथ रिलेट कर रहा है, बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है, तो हम कल आर्टिकल्स कर लेंगे, ठीक है? हाँ हिसाम क्वेश्चन है तो पूछे। इज क्योंकि फाइव खुद एक सब्जेक्ट सिंगुलर, फाइव आप डॉलर्स को छोड़ दें, आप फाइव को देखें। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आसान करने के लिए कि फाइव या चलो थ्री कर दें, 3 माइल्स, ठीक है? थ्री अ जर्नी ऑफ 3 माइल्स डैश टफ। आप बोलो इस आता क्या रहता है? बस यहां से क्लियर हो जाएगा, जब ये बड़े सेंटेंसेस में यूज होंगे ना तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको छोटे पार्ट्स में भी इसको रिकग्नाइज करना है। जी हाँ बिल्कुल, देखो शुरू में आपने अ लगा दिया ना, जब शुरू में आपने अ लगा दिया तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखें आप लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं कि 5 डॉलर्स इज क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे जो 5 डॉलर्स है ना, 5 डॉलर्स पूरा पूरा का पूरा 5 डॉलर्स, ये एक सिंगल अमाउंट है। हाँ कितने डॉलर है तुम्हारे पास? 5 डॉलर है, तो ये 5 डॉलर जो है ना ये एक सिंगल अमाउंट आ रहा है। जैसे कि देखो मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दे, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, सुनो दूसरी एग्जाम्पल हिसाम, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क डैश नीडेड, इज नीडेड आर नीडेड, बोलो। हाँ क्यों इज आएगा यहाँ पर भी? तो 3 लीटर्स के साथ तो एस लगाया हुआ है, तो क्यों यहाँ पे इज आएगा? क्योंकि 3 लीटर्स एज अ होल एक सिंगल सब्जेक्ट है। अब समझ आया आपको? हाँ हाँ एग्जैक्टली, अमाउंट एक है। और देखो अमाउंट आपने याद रखना है, अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी जब एज अ होल सिंगल ट्रीट करेंगे तो फिर हम इज लगाएंगे। अगर हम सिर्फ ये कहते हैं, सुनो अगर फोकस हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट पे है, टोटल अमाउंट पे नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर हमारा जो फोकस है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट में, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स पे है, एज अ होल अमाउंट पे नहीं है, तो फिर हम प्लूरल वर्ब, जैसे कि हम कह सकते हैं 5 डॉलर्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे 5 डॉलर जो है ना वो मल्टीपल यूनिट्स को वो कर रहा है, शो कर रहा है, 5 डॉलर्स आर ऑन द टेबल। अब वहां पर क्यों आर आ रहा है? क्योंकि वहां पे 5 डॉलर जो है वो एक एक डॉलर के 5 नोट पड़े हुए हैं। सुबान बोले हाँ, मैनी क्योंकि प्लूरल के लिए यूज होता है, मैनी कभी सिंगुलर के लिए यूज नहीं होता ना। एवरीवन जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और एवरीवन के साथ इज ही आएगा क्योंकि इंडेफिनेट प्रोनाउन एज अ होल सिंगुलर काउंट करता है। मतलब आपने कभी नहीं सुना होगा कि एवरीवन आर कमिंग, कभी सुना है? नहीं सुना, एवरीवन इज कमिंग होगा,
एवरीवन आर कमिंग न्यू, क्योंकि एवरीवन में एक मसला है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, और इनडेफिनेट प्रोनाउन में ये डेफिनेट नहीं होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम जब डेफिनेट नहीं होते तो हम किसी के उसके साथ हम वो लगा नहीं सकते, प्लूरल लगा नहीं सकते, एवरीवन इज कमिंग। ये इसलिए इस आता है क्योंकि ये एक तरह से आप देख लो कलेक्टिव नाउन की तरह, जैसे कलेक्टिव नाउन खुद सिंगुलर होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि टीम, तो टीम के अंदर तो 11 बंदे हैं, लेकिन हम टीम के लिए कहेंगे टीम इज कमिंग। हाँ हाँ और कोई क्वेश्चन है? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक हाँ बोलो। रिजल्ट का बच्चे पता नहीं है, इन्होंने कहा है लेकिन सुना है कि चीफ मिनिस्टर ने टाइम नहीं दिया, लेकिन कुछ पता नहीं है कि अगर टॉप 20 कल वो करते हैं अनाउंस करते हैं कि नहीं, तो वो आज पता चल जाएगा शाम तक कि कल आ रहा है कि नहीं आ रहा। होना था ना, लेकिन सुना था कि सीएम ने टाइम नहीं दिया ना मीटिंग, टॉप 20 अनाउंस होगा तो फिर वो पोजीशन होल्डर होते हैं उनको, फिर वो चीफ मिनिस्टर को इन्होंने कहा था कि आप खुद उनको वो देना प्राइजेस, तो उसके पास टाइम नहीं था। अभी पता नहीं है कि उसने टाइम दिया है कि नहीं दिया।